नमस्कार सम्मानित श्रोतागण, आज हमें फिर से आध्यात्मिक कार्यक्रम का आनंद उठाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आध्यात्मिक चर्चा जितनी हम सुनेंगे उतना ही धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी और हमारे डाउट्स हटते चले जाएंगे। रामायण में चर्चा आती है कि जब भी कोई महापुरुष आता है संसार में, वह मनुष्य की तरह बिहेव करता है, तो होता क्या है कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, सोचता है ये एनलाइटेंड कैसे है, ये महापुरुष कैसे है, ये अवतार कैसे है। वैसे कारण भी है, वह इतना समर्थ होता है कि वह अपने अंदर की शक्ति से सबको अनुभव करा सकता है कि मैं अवतार हूँ, पर उसमें उसके सामने समस्या हो जाएगी। अगर सबको पता लग जाए कि ये अवतार है तो कितनी लंबी लाइन लगेगी दर्शनों की, और वह क्या कहेंगे लाइन में लगने वाला कि जी मेरे बच्चा नहीं है बच्चा दे दो, मेरे पैसा नहीं पैसा दे दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो। वो भौतिक डिमांड ही रखेंगे, वो दे तो मुश्किल न दे तो मुश्किल। इसलिए जब भी महापुरुष आता है, अवतार आता है, वो थोड़ा सा इस ढंग से रहता है कि हर व्यक्ति उसको न पहचान सके, ज्ञानी ही उसको पहचान सके, अध्यात्म के द्वारा ही उसको पहचान सके। क्योंकि जो आध्यात्मिक व्यक्ति जब पहचान लेता है, वह ये सब डिजायर्स नहीं रखता कि मेरी ये प्रॉब्लम दूर कर दो, ये दूर दो, वह आध्यात्मिक डिजायर ही रखेगा, आध्यात्मिक कामना ही करेगा, भौतिक कामनाएं नहीं करेगा उनके सामने। तो जब भगवान राम का अवतार हुआ, तो जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था, तो मेघनाथ ने नागपाश रूपी उसका एक शस्त्र था चलाया, और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित होकर गिर गए। अब नागपाश को काटने की क्षमता गरुड़ जी में थी, गरुड़ जी को बुला गया कि भी भगवान के नागपाश काटो, जिससे कि फिर होश में आए, युद्ध चालू रहे। गरुड़ जी ने आगे नागपाश तो काट दिया, पर उनके मन में शंका आ गई कि कहते हैं ये सबके बंधन को काटने वाले, इनका बंधन तो मैं काट रहा हूं, ये किस बात के भगवान, किस बात के महापुरुष, किस बात के अवतार, शंका आ गई। पर शंका को मन में रखना नहीं चाहिए, शंका को किसी के सामने प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि शंका अगर हमारे अंदर बनी रहेगी वो बहुत नुकसानदायक है। इसलिए कहा संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय से भरा रहता है वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। शंका का समाधान कर लेना चाहिए। और मेरे को कई लोग शिकायत करते हैं कि जी हम आप लोगों की बातें सुन के आश्रम में जाते हैं, कहते जी मेरा तीसरा नेत्र खोल दो, मुझे वह गर्भ का ज्ञान दे दो। वो कहते हर हफ्ते आओ सत्संग सुनो 2 महीने 3 महीने। ये सत्संग सुनना क्यों जरूरी है सज्जनों? से कई कारण है। पहला कारण तो ये कि अगर खेत में आप बीज डालने से पहले उस मिट्टी को आपने तैयार नहीं किया है, उसमें खाद नहीं डाली है, पानी नहीं डाला है, तो बीज अच्छा वृक्ष नहीं बनेगा। इसलिए कोई अच्छा किसान होता है वो बीज डालने से पहले मिट्टी को तैयार करता है तब बीज डालता है। बीज डालने में टाइम नहीं लगता पर उससे पहले मिट्टी को तैयार करने में समय लगता है। ऐसे एक अच्छा डॉक्टर ऑपरेशन करना है, अगर उसको मरीज के आते ही वह ऑपरेशन नहीं करेगा, पहले वह उसका ब्लड प्रेशर चेक करेगा, ब्लड शुगर चेक करेगा, हेमोग्लोबिन देखेगा, हर चीज उसकी चेक करेगा कि ये ऑपरेशन के लिए फिट है कि नहीं है। अगर फिट नहीं है तो उसको कोई दवाई बताएगा, कोई परहेज बताएगा, कहा इतने दिन बाद आना मैं ऑपरेशन करूँगा। जिस डॉक्टर को केवल पैसे से मतलब है वो तो ऑपरेशन कर देगा, मरे या जीवे वो तो लिखा लेता है। ऐसे जिस किसान को लापरवाह है वो बीज डाल लेगा उगे ना उगे, तो वह काम नहीं आएगा। इसलिए अच्छा डॉक्टर, अच्छा किसान सोच समझ के ही काम करता है, वैसे नहीं करता। तो ये इसलिए मन में शंका नहीं रहनी चाहिए। सत्संग इसलिए सुनाया जाता है पहले
कि हम जब सत्संग को सुनेंगे, आध्यात्मिक चर्चा को सुनेंगे, तो धीरे धीरे हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब हम उस साधना को प्राप्त करेंगे, मेटाफिजिकल मेडिटेशन को सीखेंगे, तो मन एक साथ हम मन को जोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। फिर ब्रेन में डाउट्स नहीं रहेंगे। डाउट्स अगर रहेंगे तो ब्रेन डिस्टर्ब करेगा, मन को लगाने में आनाकानी करेगा। इसलिए पहले ब्रेन को, बुद्धि को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है साधना सीखने से पहले। तो मैं कह रहा था, गरुड़ जी को डाउट हो गया वहां पर कि ये किस संघ के महापुरुष हैं, पर उन्होंने अपनी शंका लेके मन में नहीं रखी, भगवान शंकर से पूछ लिया कि जी ऐसे से उनको आप लोग भगवान का अवतार कहते हो और उनके बंधन को, तो भगवान तो सबके बंधन काटने वाला होता है, उनके बंधन तो मैं काट रहा हूँ, तो कैसे भगवान हो गए? तो भगवान शंकर ने देखा कि इसको समझाने में मुझे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसका डाउट से एक दिन में तो क्लियर होना नहीं, भाई मैं दो आंसर दे दूँ इसका डाउट क्लियर हो जाए, इसमें तो समय लगेगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो, काकभुसुंडी जी बैठते हैं काकभुसुंडी पर्वत पे, उस पर्वत पे जाके आप उनसे ये प्रश्न करो, वह आपको इसका आंसर और देके आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। तो गरुड़ जी काकभुसुंडी के पास जाते हैं और वह काफ़ी दिनों तक सत्संग सुनते हैं, क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। कहा है, बहुत काल करिए सत्संगा तब होए संशय भंगा। एक दिन में डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, हम तो सुपर फास्ट चाहते हैं हर चीज़ ना, कि भाई मेरे एक दिन में सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ये मन ऐसा है, इसको क्लियर होने में टाइम लगता है, इसलिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो जब उनके डाउट्स क्लियर हो गए गरुड़ जी के, कई सालों तक, कई दिनों तक उन्होंने सत्संग सुना, जब उनके डाउट्स क्लियर हो गए तब उनको पता लगा कि ये उनकी लीला थी। ये जब ह्यूमन बॉडी में कोई शक्ति भी आती है, इवन भगवान भी अवतार लेके आता है, वो संसार के नियमों के अनुसार काम करता है। वह ये नहीं सोच करता कि भाई मैं सर्व समृद्ध में चाहे जो कर लूँ, वह भी जो उसने नियम बनाए हैं, लॉ ऑफ कर्मा, जो भी संसार के नियम बनाए हैं, इस सृष्टि रचना में जो भी नियम बने हैं, उनका वह स्वयं भी पालन करता है। नियम बनाने वाला स्वयं ही नियम को तोड़ेगा, भगवान कृष्ण ये तो कहते हैं गीता में, हालांकि सारी सृष्टि मेरे कंट्रोल में, मेरे अंडर में, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं नियमों से चलता हूँ, क्योंकि मैं नियम तोड़ूंगा तो मेरे भगत भी तोड़ने लग जाएंगे। इसलिए जितने महापुरुष आते हैं वो चमत्कार को सपोर्ट नहीं करते, ना दिखाते ना सपोर्ट करते। अगर उनका कोई शिष्य चमत्कार दिखाने भी लगता है तो उसको उसी समय मना कर देते हैं, क्योंकि वह रास्ता जो है वह आत्मकल्याण का और औरों के कल्याण का रास्ता नहीं है। चमत्कार से आप दूसरे को प्रभावित कर दोगे, वह आपको मानने लगेगा, पर चमत्कार उसका कल्याण नहीं करेगा, उसका कल्याण सत्संग करेगा, उसका कल्याण मेडिटेशन करेगा, उसके कल्याण सेवा, सत्संग, भजन, सुविधन से होगा, दर्शन से होगा, चमत्कार देख के नहीं होगा। इसलिए महापुरुष चमत्कार की शक्ति होते हुए भी उसको अवॉइड करते हैं, और जो चमत्कारों में फंस जाता है वो सज्जनों कुंडलनी कोई एक चक्र में जाके स्थित हो गया, उसका चमत्कार है, उसने वह शक्ति दे दी और आप उसे चमत्कार करते रहो, अगले जन्म में क्या होगा, फिर 84 जाएंगे। इसलिए चमत्कारों को अध्यात्म सपोर्ट नहीं करता है। स्वामी रामतीर्थ के सामने एक साधु आया, बोला जी मैं नदी पे पैदल चल सकता हूँ। स्वामी राम ज्ञानी थे, बोले क्या हुआ? तो फिर साधु ने सोचा ये समझे नहीं इन्होंने, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बोला अरे भैया तुम समझे नहीं, मैं नदी पे जैसे तुम जमीन में पैदल चलते हो ऐसे मैं नदी पे पैदल चल सकता हूँ। स्वामी राम ने कहा तो क्या हुआ? अब आया साधु को गुस्सा, बोला तुम कहते हो क्या हुआ, इस शक्ति को, इस सिद्धि को प्राप्त करने मुझे 30 साल लगे हैं, पता है 30 साल साधना करके मैंने इस सिद्धि को प्राप्त किया है, तुम कहते हो क्या हुआ? स्वामी राम ने कहा अरे तुम तो बेवकूफ निकले, मूर्ख निकले,
30 साल मेहनत करके तुमने इस सिद्धि को प्राप्त किया, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 रुपया नाबाले को दो, वो सस्ते का जमाना था, उस पार ले जाएगा तुमको, 1 रुपये में इस पार ले आएगा। तुम्हारी इस सिद्धि की कीमत 2 रुपया है। 2 रुपये की सिद्धि के लिए तुमने 30 साल बर्बाद किए, तुम्हारे सब हाँ बेवकूफ कौन है? तुमने गोता ठीक लगाया, समुद्र में गोता लगाया, और उठाते समय हीरा मोती न उठा के, मोती न उठा के कंकर उठा के ले आए। इसलिए सज्जनों, चमत्कार को सपोर्ट नहीं किया जाता है। मेरे पास से एक का प्रश्न आ रहा था, बोला जी त्राटक कैसा रहता है कंसेंट्रेशन के लिए? मैंने कहा भैया मैं तो त्राटक को सपोर्ट नहीं करता, इन आंखों को क्यों दुखाया जाए? बोला एक ने त्राटक करके 1 लाख, उसने इतना त्राटक में गिनीज बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम कर लिया है, वह 1 लाख उनको याद रख सकती है। मैंने कहा भैया फिर क्या हुआ? तो मन की शांति तो उससे मिलेगी नहीं, मन तो त्राटक के द्वारा, मन भौतिक वस्तुओं में मर्ज कभी नहीं हो सकता। मन अपने से सूक्ष्म वस्तु के अंदर ही मर्ज होगा। त्राटक के द्वारा आप एक बिंदु पे त्राटक कर रहे हो, ठीक है, आपका कंसेंट्रेशन लेवल थोड़ा बढ़ेगा, पर उस कंसेंट्रेशन में आंखों को कितनी तकलीफ होगी? चलो वह भी आपने सह ली, आपका कंसेंट्रेशन लेवल थोड़ा बढ़ भी गया, उतने से आपका कल्याण होना नहीं है। मन को तो टोटली बस में करना पड़ेगा, टोटल कंट्रोल में ले जाना पड़ेगा। पार्शियल कंट्रोल से बात नहीं बनेगी। आप घोड़े पे जा रहे हैं, घोड़ा कभी कंट्रोल में कभी नहीं है, तो उससे बात नहीं बनेगी। घोड़ा आपके टोटल कंट्रोल में होगा, तब आपने आप अपने लक्ष्य में पहुंच सकते हैं। गाड़ी आप चला रहे हैं, गाड़ी आपके टोटल कंट्रोल में नहीं है, स्टीयरिंग टोटल कंट्रोल में नहीं है, तो आप अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाओगे। ऐसे मन पे पूरा नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही रास्ता है, वह है वह ज्ञान, वह साधना जो हमने गर्भ में की थी। सज्जनों ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है और सत्य भी है कि हर बच्चा माँ के गर्भ में मेडिटेशन करता है। मैं सच कह रहा हूं आपको, और जो मेडिटेशन बच्चा करता है, ऐसा नहीं कि हर देश का हर धर्म का बच्चा अलग अलग मेडिटेशन करता होगा, माँ के घर में सब एक ही मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि वो सिखाने वाले एक ही है। अलग अलग सिखाने वाला गुरु होता है, अलग अलग मेडिटेशन सिखाएंगे, पर सिखाने वाला एक ही है तो वो तो एक ही सिखाएगा। नारद जी ने वाल्मीकि को सिखाया, नारद जी ने गणेश को सिखाया, नारद जी ने ध्रुव को सिखाया, तो जिन जिनको उन्होंने दिया उन्होंने एक ही ज्ञान दिया था, अलग अलग ज्ञान नहीं दिया। आज हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। गर्भ में जितने भी बालक होते हैं, जितने भी होते हैं बच्चे, सबको वह एक ही ईश्वर ज्ञान देता है। तो उसने एक ही साधना सबको सिखाई थी, और वह साधना के द्वारा ही व्यक्ति इस भवसागर से सबसे पार होता है। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था बेतरनी नदी के बारे में, कि जब बच्चे मरता है व्यक्ति, तो सनातन धर्म में उसको बेतरनी नदी से बचाने के लिए वो बहुत से दान करता है, ये सब देता है। वो इतनी खतरनाक नदी है, खून गंदगी से भरी हुई है, नरक के यमराज के पास जाने से पहले उस नदी को पार करना बहुत जरूरी होता है, अच्छे आदमी के लिए नदी अच्छी बन जाती है, ऐसे बहुत सी बातें लिखी हुई थी। एक्चुअली वो बेतरनी नदी क्या है सज्जनों? गर्भ में जो बच्चा होता है, चारों तरफ जो गंदगी बह रही है, वही तो बेतरनी नदी है। उसमें पानी होता है, खून होता है, मलमूत्र होते हैं जिसकी गंध आती है, उसके बाद उसमें आपका पस भी होता है, मतलब सब कुछ वही होता है, वही बेतरनी नदी है। तो जब उसमें गर्भ में बच्चा होता है, जब उस समस्या से परेशान होता है, तो सोचता है अगली बार इस बेतरनी नदी में मुझे ना आना पड़े, मैं ऐसा साधन करूं, ऐसा मेडिटेशन करूं कि मैं इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं। तो बेतरनी नदी भी हमारे अंदर ही है। मैंने देखा सब कुछ हमारे अंदर ही है। अगर आपने अंदर के रमस को समझ लिया तो सब कुछ समझ लिया।
तो मैं कह रहा था गर्भ में बच्चा साधना करता है, अगर आपको मैं आजकल की भाषा में बोलूं तो मेडिटेशन करता है, और वह मेडिटेशन बेस्ट है, उससे बढ़िया कोई मेडिटेशन नहीं है। इसलिए किसी गुरु की पहचान करनी हो वह असली है नकली है, क्योंकि अगर नकली गुरु के चक्कर में पड़ गए तो जीवन बर्बाद है। एक कथा आती है कि भगवान बुद्ध जा रहे थे, रास्ते में एक सर्प पड़ा था, अजगर पड़ा था, चींटियां उसको नोच नोच के खा रही थी। उस दृश्य को देखकर बुद्ध भगवान मुस्कुरा दिए। शिष्य ने कहा महाराज जी यह क्या, ये क्या है ये? बोले पहले जन्म का गुरु है, ये जो हजारों चींटियां तुम देख रहे हो ये इसकी चेलिया चेले चेले इसके चेले थे सारे। गुरु जी की बात पे विश्वास करते रहे, गुरु जी एनलाइटेंड थे नहीं, अंधे को अंधा मिले तो रास्ता क्या होगा, कहाँ ले जाएगा वह, वो थोड़ी ठिकाने में पहुंचाएगा। तो ये एनलाइटेंड था नहीं, तो ये अगले जन्म में सर्प बना है, ये बदला ले रहे हैं कि तुमने हमारा जीवन बर्बाद किया। तो सज्जनों अगले जन्म में बदला लेने के झमेले में क्यों पड़े, पहले गुरु बनाने से पहले अच्छी तरह परख कर ले कि ये मेरे लिए फिट है कि नहीं है, ये मेरा कल्याण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तभी कहा पानी पियो छान कर, फिल्टर पानी पियो भैया, नहीं बीमार हो जाओगे। और गुरु करो जान कर, टेस्टिंग पहले कर लो, बनाने में जल्दबाजी मत करो कभी भी किसी भी गुरु को, चाहे सचमुच में भी महापुरुष है, थोड़ा वेट करके पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाओ, 100% क्लियर हो जाओ तब बनाना चाहिए। जैसे लड़का लड़की की शादी हो गई, हड़बड़ी में दोनों ने शादी कर ली, जोश में आ गए, और बाद में एक साल बाद डाइवोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फायदा क्या हुआ? इससे पहले थोड़ा वेट करते तो पहले पता लग जाता कि हम एक दूसरे के लिए फिट नहीं है। पहले शादी करो फिर डाइवोर्स करो, ये झंझट में क्यों पड़ो? पहले गुरु बनाओ फिर उसको छोड़ो। वैसे छोड़ने में पाप नहीं लगता है, क्योंकि कई लोग ये डर दिखा देते कि अगर आपने एक बार गुरु बना लिया छोड़ दोगे तो आपको पाप लगेगा। सज्जनों ऐसा नहीं है, कबीर साहब कहते गुरु करो दस पांचा जब तक न मिले गुरु साचा। जैसे हम डॉक्टर, एक डॉक्टर से इलाज नहीं हो रहा था, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराते हैं, ऐसे अगर पहले बाई मिस्टेक हमने गुरु बनाया, वह पूर्ण नहीं है, एनलाइटेंड नहीं है, हम चेंज कर सकते हैं, कोई उसमें दोष नहीं लगता। हाँ एनलाइटेंड को प्राप्त करने के बाद में फिर आप कहीं जाते हो तो फिर अपनी कमजोरी है। तो इसलिए पहले गुरु को टेस्ट कर लेना चाहिए कि गुरु असली है कि नकली है। एक ने बहुत अच्छा तर्क दिया, बोला जी ये तो बात जमी नहीं कि गुरु एक बनाने के बाद दूसरा बना लो, चाहे जो गुरु जैसा भी हो उसी पे डिपेंड करना चाहिए। हमने कहा भी क्यों? बोला मान ले एक औरत शादी कर लेती पति से, पति लला लूला है, लंगड़ा है, थोड़ा बुद्धू है, तो क्या पति को छोड़ दे? यही क्या पति स्त्री धर्म है क्या? जब बना लिया तो क्या है? तो बोला ये तो बात जमी नहीं। हमने कहा आप ठीक कह रहे हो, लड़की शादी करके गई ससुराल, और जिसके लड़के के साथ शादी की पता लगा कि धोखा वाला लड़का नहीं लड़की थी, दहेज के चक्कर में उसने हमें बुद्धू बना दिया, क्या उसको छोड़ने में भी पाप लगेगा? बोले वो तो धोखा है, उसमें क्यों पाप लगेगा? मैंने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ, हम जीवात्मा हैं, हम पूर्ण नहीं हैं, इसलिए जीवात्मा को स्त्रीलिंग माना जाता है, महापुरुष को मुक्तात्मा कहते हैं, मुक्तात्मा का मतलब पुलिंग, पुरुष हुआ। अगर हमने जिसको गुरु बनाया वो भी हमारी तरह जीवात्मा है, ऐसे हजार गुरुओं को छोड़ने से भी पाप नहीं लगेगा। हाँ सचमुच में हमको मुक्तात्मा महापुरुष मिल गया, एनलाइटेड महापुरुष मिल गया, उसको छोड़ने में तो फिर हमारा ठिकाना भी नहीं है कहीं। तो सज्जनों इसलिए गुरु बनाने से पहले पूरी तरह जांच कर लेना चाहिए। डॉक्टर में तो हम कई बार, चलो डॉक्टर भी हम किसी से इलाज कराने से पहले पता करते हैं कि डॉक्टर असली है कि नकली है, ये डॉक्टर कैसा है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फिर भी डॉक्टर ने अगर गलत दवाई दे दी तो एक थोड़ा बहुत हम परेशानी होंगे, दूसरा डॉक्टर फिर चले जाएंगे। ये तो जन्म जन्म का नाता है, ये जन्म में मिस कर गया तो पता नहीं कितने जन्म तक उस तकलीफ को भोगना पड़ेगा।
इसलिए बहुत सावधानी से गुरु बनाना चाहिए। और उसका एक सिंपल टेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ, वो गुरु जी से निवेदन करो कि गुरु जी, क्या माँ के गर्भ में बच्चा मेडिटेशन करता है, साधना करता है? करता है तो हमको वह साधना सिखा दो। जो आपको वह साधना सिखा दे वह असली है। अब बच्चा गर्भ में क्या करता है ये आपको धीरे धीरे जब आप इस आध्यात्मिक चर्चा को सुनते रहेंगे आपकी समझ में आएगा कि बच्चा गर्भ में कौन सी साधना करता है। पहली बात तो वहाँ भाषा नहीं हो सकती, क्योंकि बोलना तो बाहर आकर सीखता है, तो शास्त्रों की कोई चर्चा वहाँ नहीं हो सकती। बच्चे का लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है तो बुद्धि के द्वारा भी उसको कोई समझाया नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति में उसने अगर साधना की है तो क्या साधना की होगी? ये भी नहीं हो सकता, हिंदू ने अलग किया होगा, मुसलमान ने अलग किया होगा, क्रिश्चियन ने अलग किया होगा, भारत में जन्मने वाले ने अलग किया होगा, अमेरिका रशिया में जन्मने वाले ने अलग किया होगा। गर्भ में सबने एक ही साधना की है और उसी साधना को जितने महापुरुष संसार में आए आज तक सबने उसी साधना को सिखाया है, कुछ भी नया नहीं सिखाया है। आप जब गहराई में जाओगे तो आपको ये बात सच में लगी। अभी तो आप कुछ लोग हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं होंगे कि हम आपकी बात से सहमत नहीं होंगे, पर ये सच है, जितने भी महापुरुष आए संसार में सत्युग से लेकर आज तक उन महापुरुषों ने अपने शिष्यों को गर्भ का ज्ञान दिया। वह ज्ञान सनातन ज्ञान है, वह ज्ञान सारे विश्व के लिए एक है, उसमें कोई हेर फेर नहीं है। और उसी ज्ञान को आपने समझना है। हमारे जितने शास्त्र बने हुए वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान, गीता, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, ये सारे उसी ज्ञान की, गर्भ के ज्ञान की महिमा गा रहे हैं। भाषा अलग है, समझाने की शैली अलग है, तरीका अलग हो सकता है, पर उसकी गहराई में जाओगे सबने उसी गर्भ के ज्ञान की बात की है। एक विशेषता उस गर्भ के ज्ञान में जिसको आपने समझना है कि वह गर्भ का ज्ञान मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल और मेटाफिजिकल किसको कहते हैं मैं दोबारा आपके सामने क्लियर करना चाहूंगा। इसको शास्त्रों में परा और अपरा कहा। परा मतलब हायर नॉलेज, अपरा मतलब लोअर नॉलेज। इसको और हम क्लैरिफाई करें तो क्या है, जो कुछ भी हमारी बुद्धि और इंद्रियों के अंतर्गत आ सकता है वो सब कुछ फिजिकल है, अपरा है। इसमें सारे शास्त्र आ गए, व्याकरण आ गई, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, जो कुछ भी है साइंस से, फिजिकल साइंस सब कुछ इसमें आ गया, क्योंकि बुद्धि और इंद्रियों के अंतर्गत है। बुद्धि से आप इसके बारे में सोच सकते हैं, इंद्रियों से बहुत सी चीजों को अनुभव कर सकते हैं। तो इंद्रियों के से जो संभव है, बुद्धि के द्वारा जिसको हम समझ सकते हैं, वो सब क्या का, अपरा का, फिजिकल का। परा क्या है, मेटाफिजिकल क्या है, जो बुद्धि से भी परे है, इंद्रियों से भी परे है। अब आज जितने भी मेडिटेशन सिखाए जा रहे हैं, जितने भी धर्म के प्रचार हो रहे हैं, वो सब बुद्धि और इंद्रियों के अंतर्गत है। अगर अंतर्गत है तो सज्जनों वह गर्भ का ज्ञान नहीं है। सिंपल आपको लॉजिक से दे रहा हूं मैं। उस गर्भ के ज्ञान को इंद्रिय और बुद्धि से परे होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि का, लॉजिकल ब्रेन का विकास ही नहीं हुआ था गर्भ में, इंद्रियों के द्वार सारे बंद थे। उसने अनुभव किया तो किसके द्वारा किया, क्या किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है और ये सच है। डॉक्टर्स भी अब धीरे धीरे इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, पूरी तरह अभी स्वीकार नहीं कर रही साइंस कि गर्भ में बच्चा कुछ करता है। मैं अहमदाबाद गया हुआ था तो एक प्रेमी सज्जन मेरे को भी हॉस्पिटल में ले गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट था बच्चों का, बच्चों के रोगों का हेड ऑफ डिपार्टमेंट था। उससे बातचीत होने लगी, जब मैंने ये बात की तो उसने इतना तो मुझे कहा, बोला जी अभी तक हमारी जो जानकारी में है, मेरी जानकारी में
बच्चा गर्भ में कुछ तो करता है, देयर समथिंग ही डज देयर, क्या करता है उसको हम नहीं समझ पाए हैं। धीरे धीरे सज्जनों हो सकता है साइंस विकास करेगी तो थोड़ा और आगे तक जाएगी। खैर वह जो करता है उसको तो साइंस कभी नहीं जान सकती, क्योंकि साइंस फिजिकल है और वह चीज़ मेटाफिजिकल है। पर कहने का मतलब गर्भ में बच्चा उस साधना को करता है, और वही साधना को अगर आप सीख लेंगे, क्योंकि बच्चा जब बाहर आता है उस साधना के कारण, आप देखिए बच्चे में बहुत से क्वालिटीज होती है। बच्चे का मन शांत होता है, 2 साल तक उसके अंदर डेल्टा तरंग होती है जो समाधि की अवस्था में जाने के बाद आती है, जो तरंग 2 साल से 5 साल तक उसके अंदर थोड़ी स्पीड बढ़ गई, थीटा तरंग होती है, वो भी बहुत शांत तरंग होती है। 5 साल से 12 साल तक अल्फा तरंग होती है, वह भी काफ़ी कंसेंट्रेटेड वेव है। डेल्टा की स्पीड है 0.5 to 4 cycles, थीटा की स्पीड है 4 to 8 cycles और अल्फा की स्पीड है 8 से 12 cycle। उस 12 साल के बाद फिर बीटा तरंग आती है जो 13 से 30 तक जाती है, वह अशांति पैदा करती है। तो सज्जनों गर्भ में जब बच्चा बाहर आया उसके जो डेल्टा थीटा अल्फा का जो सिस्टम था वो गर्भ में मेडिटेशन के कारण था, गर्भ की साधना का रिजल्ट था वह। और क्या मिला, बच्चा जब बाहर आता है उसके दिमाग का दाहिना भाग एक्टिव मिला वैज्ञानिकों को। न्यूरोलॉजिस्ट अभी भी इस बात का आंसर नहीं दे पा रहे कि बच्चा गर्भ से आया है तो दोनों मस्तिष्क की एक्टिविटी 0 होनी चाहिए थी, बाएं की भी और दाहिने की भी, पर लेफ्ट ब्रेन के न्यूरॉन्स तो की एक्टिविटी तो 0 थी, पर दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स गर्भ से ही एक्टिव होकर आए थे। आने के बाद उल्टा होता है, धीरे धीरे बाएं मस्तिष्क के न्यूरॉन्स कोशिकाएं सक्रिय होती चली जाती है और दाहिने मस्तिष्क की कोशिकाएं निष्क्रिय होती चली जाती है। आप के पास 2 मोबाइल अगर है, आप अगर चार्जर एक ही में लगाओगे तो उसी की बैटरी चार्ज होगी, दूसरी बैटरी डाउन हो जाएगी। पहले बाएं ब्रेन की में चार्जर नहीं लगा हुआ था गर्भ में, उसकी बैटरी 0 थी। दाहिने ब्रेन में लगा हुआ था चार्जर, बाहर आने के बाद चार्जर रिवर्स हो गया, बाएं में लग गया, बाएं की बैटरी चार्ज होती चली गई, दाहिने में चार्जर न लगने के कारण धीरे धीरे उसकी बैटरी ठंडी होती चली गई। मन हमारा चार्जर है, गर्भ में उस साधना में लगा था जिसके कारण दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे थे, बाहर आकर ये बाएं में लग गया इसलिए बाएं के न्यूरॉन्स एक्टिव होते चले जाते हैं, दाहिना के न्यूरॉन्स डॉर्मेंट होते चले जाते हैं। तो सज्जनों ये जो बात है सिंपल आंसर मिल रहा है इससे। मेरे को बहुत से लोग प्रश्न करते कि दाहिने ब्रेन को कैसे चालू करें, सिंपल है, जो गर्भ में साधना की थी जिसको फिर शुरू कर देंगे दाहिना ब्रेन चालू हो जाएगा। अभी हमारी जितनी पढ़ाई है जो कुछ भी है सब तो बाएं ब्रेन को एक्टिव करने वाली है, दाहिना ब्रेन एक्टिव होगा जब हमारा मन रूपी चार्जर बाएं ब्रेन से हटके दाहिने ब्रेन को एक्टिव करने वाली साधना जो हमने गर्भ में की थी उसमें लगेगा। और सज्जनों जब दाहिना बाएं तो आपका एक्टिव है ही, आज के युग में कंप्यूटर मोबाइल इस इंटरनेट इसने आपके बाएं ब्रेन को के न्यूरॉन्स को एक्टिव कर रखा है। अब जरूरत है दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिव करने की, जिससे दोनों पांव मजबूत होंगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये सीखना चाहिए 20 साल से कम उम्र में, क्योंकि जितनी कम उम्र में आपके दोनों पांव ठीक होंगे आप जिंदगी का मजा लेंगे। और 60 साल तक एक पांव से चले बाद में दूसरा पांव ठीक हुआ तो 40 साल तो आपने दुख में बिता दिए। इसलिए जितनी कम उम्र में आप दोनों ब्रेन को एक्टिव करेंगे उतना आप सुख पाएंगे। तो जो गर्भ का ज्ञान है सज्जनों उसको हमको ढूंढना है, क्या साधना कौन सा मेडिटेशन मैंने माँ के गर्भ में किया था, उस साधना को जान करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमारा जीवन सफल होगा। और इसी के पहचान से हमको पता लगेगा कि असली गुरु कौन सा है।
वह गुरु असली है जो हमको साधना को सिखा दे। तो ऐसा गुरु जब मिल जाएगा तो हमारा सही टेस्ट है ये। इसलिए गुरु को बनाने से पहले टेस्ट करना चाहिए। गुरु का टेस्ट यही है कि वह आपको उस गर्भ की साधना को सिखा दे जिसको बीते हुए सारे महापुरुषों ने सिखाया था। वह साधना लिविंग है, इसलिए बीता हुआ महापुरुष नहीं सिखा सकता, उसके लिविंग महापुरुष चाहिए। तो समय पूरा हो गया है, फिर भी कल मिलेंगे। शाम को इंग्लिश का 7:30 से प्रोग्राम होगा, हिंदी के प्रोग्राम के लिए कल सुबह, कल दिन में फिर आफ्टरनून में 1:30 बजे मिलेंगे। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।